महाराष्ट्र में हो रही तेज बारिश से बाढ़ परिस्थिति निर्माण हुई है। इसमें लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। इस परिस्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि इस और किसी का ध्यान ही नहीं है। पिछले 10 सालों से इस पर कोई भी काम नहीं हुआ है। बारिश के कारण किसानों का भी नुकसान हुआ है। सरकार किसानों के लिए मदद जाहिर करना चाहिए। आता गेली 10 वर्ष आपण बघतो यावर काही कामच झालं नाही। दरवर्षी पूर्वी पाऊस यायचा, पूर्वी पावसाळा होता, पण काय होतं की पूर्वीच्या पावसाळ्यात आणि आताचा आता अचानक येतो, ढगफुटी सदृश्य परिस्थिती होते। अशा वेळेची ड्रेनेज सिस्टीम सध्या अपडेट करण्याची गरज आहे, कारण लोकसंख्येनुसार नागरीकरण मोठ्या प्रमाणात वाढतंय, लोकसंख्या वाढते आणि शहरीकरण किंवा नागरीकरण वाढल्यामुळे सगळा ताण जो पडतो त्यातून सिमेंटचे रोड झालेत, ड्रेनेज बरोबर सिस्टीम नाही, अशा याच्यामध्ये शहरं पाण्याखाली झाली, शहरामध्ये पाणी मोठ्या प्रमाणात साचतो आणि प्रचंड नुकसान होतं। अशीच काही स्थिती शेतकऱ्यांची आहे। जवळपास आतापर्यंत 95 लोकांचा जीव गेला या सगळ्या पुरामध्ये मागच्या 8 दिवसामध्ये, म्हणजे मुंबई गडचिरोलीपासून तर आपण मुंबईपर्यंत पाहिलं, 95 लोकांना आपला जीव गमवावा लागला, जवळपास 506 जनावरं वाहून गेले। इतकं भयावह स्वरूप या पुराचं आहे। सरकारने तातडीनं याचे पंचनामे करून पडझड झालेल्या घरांना खावटी जी देतो ती दिली पाहिजे, नगदी रुपानं 5,000 रुपये दिले पाहिजेत, कारण घरात पाऊस पाणी गेल्यामुळे घरात त्यांना काही शिल्लक राहिलं नाही। अशा वेळेस तातडीनं मदत करण्याची अपेक्षा आहे, मला वाटतं सरकारने करावी आणि पंचनामे करून शेतकऱ्यांना मदतीचा पॅकेजही जाहीर करावा अशी आमची सरकारला मागणी आहे। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, जो नागपुर का पहला और एकमात्र NABH द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है। देश के पहले 50 अस्पतालों में से NABH द्वारा पुनः प्रमाणित ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल है। गत 25 से अधिक सालों से मध्य भारत का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में यह अस्पताल प्रसिद्ध है। सभी कैशलेस इंश्योरेंस सेवाएं साथ ही सभी प्रकार की कॉरपोरेट सेवाएं भी उपलब्ध है। इस अस्पताल में महाराष्ट्र शासन की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत क्रिटिकल सर्जरी का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, बर्न केसेस, कार्डियोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, पेडियाट्रिक सर्जरीज, यूरोलॉजी जैसे और भी क्रिटिकल केयर यूनिट है। इसके अलावा यह अस्पताल रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस, फार्मेसी, आपातकालीन सेवाएं भी 24/7 प्रदान करता है।